स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा मास्क हमें कोविड-19 से प्रोटेक्ट करता है, किस मास्क की हमें ज़रूरत है, वो भी ये वीडियो में आप समझने वाले हो। ये वीडियो को आप लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, फ़र्क नहीं पड़ता है। एटलीस्ट इसे शेयर कर दो ताकि ये जो मास्क बनाने वाले लूट रहे हैं वो लूट धीरे धीरे कम हो जाए। दोस्तों यहाँ पे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से मास्क ज़्यादा बिक रहे हैं। दोस्तों ये है एक सर्जिकल मास्क और ये है N95। इसे तो आप भूल ही जाओ। जब यहाँ पे इंडिया में स्वाइन फ्लू फैला था, ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 2014 की, 2014-2015, तब भी हॉस्पिटल स्टाफ को भी ये मास्क नहीं दिया गया था। ये बहुत ही एडवांस लेवल का मास्क है, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, अभी के जो डिजीज़ में ये नहीं है। हाँ, डॉक्टर्स जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं जो आईसीयू में, उसे शायद ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। हमें तो इनफैक्ट इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये एक सर्जिकल मास्क है। सर्जिकल मास्क काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के आते हैं। 1-ply जिसके अंदर सिर्फ एक लेयर का कपड़ा होता है, 2-ply जिसके अंदर दो लेयर का कपड़ा होता है, 3-ply जिसके अंदर तीन लेयर का कपड़ा होता है, जिसकी मार्केट प्राइस थी 3 रुपये और वो आज बिक रहा है 20 से 30 रुपये में। 2 दिन पहले मैं मेडिकल स्टोर पे गया था, 50 रुपये में बिक रहा था ये। मतलब आप सोच नहीं सकते हो कितने गुना ज़्यादा प्राइस में वो बिक रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड। क्योंकि जनरल लोग जो घर पे रहने वाले लोग हैं वो जाके ये खरीद रहे हैं, क्योंकि हम सुपरमार्केट जाए या हम ग्रॉसरी खरीदने जाए तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों डेफिनेटली कोरोना वायरस एक खतरनाक महामारी है, लेकिन इसके लिए हमें इन दोनों में से किसी के भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई रीयूजेबल मास्क बना सकते हो घर पे तो बना सकते हो। अगर आप कॉटन के मास्क अगर 20-30 रुपये में ख़रीद लोगे तो उसे आप रीयूज़ कर पाओगे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर हो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, जनरल पब्लिक में इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी जो मेडिकल जो हॉस्पिटल प्राइस है वो भी 10 से 15 रुपये है। अब आप सोचिए, मैं एक सिंपल कैलकुलेशन करके बताता हूँ। हॉस्पिटल 3 रुपये में मास्क खरीदता है, वो एक साथ एटलीस्ट 2 लाख पीस खरीदता है, तो उसका बिल होगा 6 लाख का नॉर्मल प्राइस में, लेकिन अभी वो बिल बन रहा है तकरीबन 20 लाख का। आपको 20-30 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लूट मचा रखी है इन लोगों ने, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो भी बना रहे हैं। तो यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ज़रूरत इन दोनों की नहीं है। मैं खुद भी कॉटन कपड़े का बना हुआ मास्क यूज़ करता हूँ। सेफ्टी ज़रूरी है, लेकिन जस्ट बिकॉज हम इसे खरीद रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, ब्लैक में लोग बेच रहे हैं, बिना GST का माल बेच रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी से, प्लीज़ आप अगर कोविड-19 से बचना चाहते हो कॉटन का मास्क पहनो, इन दोनों में से किसी भी मास्क की ज़रूरत आपको नहीं है। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है शेयर ज़रूर से कर दो, लाइक डिसलाइक से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।